हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अपराजिता एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे मैंने इस कॉटन बाथ टॉवल, हम लोग गमूसा बोलते हैं, कुछ लोग गमछा भी बोलते हैं, व्हाटएवर, तो इससे कैसे मैंने मेंस बॉक्सर शॉर्ट्स जो भी आप कहना चाहे बनाया। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने कपड़े को फोर फोल्ड कर लिया है, मतलब मैंने दो बार फोल्ड कर लिया है। एक बार पहले फोल्ड कर लिया, इसके बाद दोबारा फोल्ड कर लिया है। आप चाहे तो पहले इसको डबल फोल्ड कर सकते हैं और बैक साइड बाद में फिर से डबल फोल्ड करके दूसरा पार्ट हम काट सकते हैं। वैसे भी मैंने पिछला वाला पार्ट बाद में काटा है, तो मैंने यहाँ पे फोर फोल्ड ही कर लिया, बाद में फिर से फोल्ड करना पड़ेगा इसलिए। तो आप जो यहाँ पे येलो लाइन देख रहे हैं वहाँ तक मैंने इलास्टिक के लिए जगह छोड़ा है, करीबन 2 इंच छोड़ा है मैंने। आपका जितना भी इलास्टिक का मेजरमेंट है उसके साथ आप 1/2 इंच ऐड करके इलास्टिक की मार्किंग कीजिएगा। सपोज़ आपकी इलास्टिक जो है 1 इंच की है, तो उसके साथ 1/2 इंच ऐड करके आप 1.5 इंच पर इलास्टिक की मार्किंग कर सकते हैं। अभी हम पैंट की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे, और लेंथ की मार्किंग आपको इलास्टिक वाली मार्किंग को छोड़ के करनी है। तो मैं यहाँ पे येलो लाइन के बाद से कर रही हूँ, और मैंने लेंथ के लिए यहाँ पे 21 इंच पे मार्क किया है। आपको जितना भी लेंथ चाहिए आप उतना मार्क कर लीजिए, और इस तरफ भी मैं 21 इंच पे मार्क कर लूँगी और स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। और अभी जो मैंने 21 इंच पे मार्क किया है वहाँ से मैं नीचे की तरफ और ऐड कर दूँगी 2 इंच और स्केल से लाइन खींच लूँगी। इसको हम फोल्ड करने के लिए यूज़ करेंगे। जब हम पैंट की बॉटम में फोल्ड करेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। अभी हम हिप्स की मार्किंग करेंगे, तो मैं ये बड़े साइज़ का बना रही हूँ, 40 इंच है, तो मैं उसका चौथा भाग लूँगी, 1/4, जो कि है 10 इंच, और इसके बाद मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी यहाँ पे और 12 इंच पे मार्क करूँगी। इसके बाद हम आसन की मार्किंग करेंगे, क्रॉच एरिया की मार्किंग। तो क्रॉच एरिया की मार्किंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला जो है उसमें आप हिप राउंड को, फुल हिप राउंड को एक्सक्लूडिंग द मार्जिन आप डिवाइड कर लो 4 के साथ, और इसके बाद आप वहाँ पे 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। और दूसरा है कि आपका जो फुल हिप राउंड है उसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं और मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे मार्क कर रही हूँ, 3 से डिवाइड करने से होता है 13। अगर आप ऐसे लूज बॉक्सर्स बना रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 12 इंच या उससे ज़्यादा ही क्रॉच एरिया रखें, तब फ्री फील होगा पहन के। और ध्यान रहे आप जो क्रॉच एरिया की मार्किंग कर रहे हैं वो हमने जो हिप में एक्स्ट्रा 2 इंच एक्सटेंड किया था उस मार्जिन के एकदम सीधा सीधा नीचे की तरफ करना है, और इलास्टिक वाली 2 इंच को छोड़ के करना है। सारी की सारी जो मेजरमेंट्स हम लेंगे वो हमें इलास्टिक वाली लाइन को छोड़ के ही लेना है। तो क्रॉच एरिया वाली पॉइंट पे जहाँ पे हमने 13 इंच पे मार्क किया है ऊपर से, वहाँ पे मैं 2 इंच और एक्सटेंड करूँगी। तो ये वाली जो लाइन है वो ऊपर की लाइन से इक्वल थी, 12 इंच की थी ऊपर वाली लाइन, तो ये वाली भी 12 इंच की थी, तो इसके साथ हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लाइन खींच के मिला लेंगे ऊपर के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मिला रही हूँ। और इसके बाद हम कर्व करके ऐसे बना लेंगे, आप हाथ से आसानी से बना सकते हो। तो इसके बाद मैं बॉटम की मार्किंग कर रही हूँ पैंट की, तो यहाँ पे मैं 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ, 14 इंच पे। और हमने जो क्रॉच एरिया वाली पॉइंट बनाई है 2 इंच एक्सटेंड करके कर्व करके, उस पॉइंट से मैं हमने जो बॉटम की मार्किंग की है 14 इंच पे, वहाँ तक हम ऐसे कर्व करके लाइन ड्रॉ करेंगे। पूरा सीधा सीधा मत ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर्व करके ड्रॉ करना है। आपके पास लेग शेपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो हाथ से भी आसानी से हो जाता है, मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। अभी हमारे फ्रंट पीसेस जो है एकदम रेडी है कट करने के लिए, तो अभी मैं इनको कट कर लूँगी। पर ध्यान रहे कि आप 2 पीसेस को ही कट करें पहले, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे 2 पीसेस हैं और नीचे और 2 पीसेस हैं, मतलब और एक फोल्ड है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले डबल फोल्ड करके फ्रंट पीसेस काट लीजिएगा, इसके बाद फिर से और फोल्ड करके बैक पीसेस, वरना उल्टा पुल्टा हो सकती है। तो इसके बाद मैं कट कर लूँगी पूरा नीचे तक, और फ्रंट पीसेस को मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारी फ्रंट पीसेस निकल चुकी है, तो अभी हम बैक पीस की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पीस को बैक पीस के टॉप से 1 इंच नीचे रखेंगे, और इसके बाद मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ, आपको क्रॉच एरिया वाली साइड से बढ़ानी है ऊपर की तरफ 1 इंच टॉप में, और इस तरफ जो है आपको सेम रखनी है, इस तरफ आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं बढ़ाना है। और हम तिरछी लाइन खींच लेंगे, ये बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि बैक साइड में आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, और आप जब बैठते हो तो उस जगह पर कपड़ा खींचता है थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर ऐड करने से आपका बहुत हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अभी हम हर तरफ 2-2 इंच ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम हिप पॉइंट पे 2 इंच ऐड करेंगे, इसके बाद क्रॉच एरिया वाली पॉइंट पे 2 इंच ऐड करेंगे, और इसके बाद पैंट के बॉटम वाली पॉइंट पे भी 2 इंच ऐड करेंगे।
और हम ऐसे ज्वाइन करके मिला लेंगे। और लेंथ में आपको कुछ नहीं करना है, लेंथ सेम रहेगा। और अभी हम बैक पार्ट को कट करके निकाल लेंगे। तो अभी हम पॉकेट्स की कटिंग करेंगे। तो एक्चुअली जो मेन फैब्रिक है वहाँ पे कपड़ा इतना बचा हुआ नहीं था, तो इसीलिए मुझे दूसरा कपड़ा यूज़ करना पड़ा। मैं ये ब्लैक कलर की क्रेप फैब्रिक यूज़ करूँगी। अगर आपका मेन फैब्रिक में कपड़ा बचता है तो आप वही यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी लेंथ मैं 13 इंच ले रही हूँ, 13 इंच, और इसकी जो विड्थ है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। और उसके बाद मैं ऐसा एक रेक्टेंगल बना लूँगी। अभी हम इसमें ऐसा शेप दे देंगे कर्व करके, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ। और इसको मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं दो साइड्स में पॉकेट दूंगी, बट मेन फैब्रिक में मेरा इतना भी नहीं था कि मैं दो साइड में एक एक पैनल यूज़ कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने एंड में एक ही क्रीप फैब्रिक वाली पीस यूज़ की है। तो मैंने एक साइड पे ही पॉकेट बनाई है। एनीवेज, हमारी पॉकेट कटिंग हो चुकी है। तो इसी सेम मार्किंग की मैंने हमारी जो मेन फैब्रिक वाली भी एक पीस काट ली है, ये मैं शूट करना भूल गई। तो अभी हम हमारी पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। आपको फ्रंट वाली एक पैनल ले लेनी है, क्योंकि मैं एक साइड में बना रही हूँ इसलिए मैं एक ही साइड के पैनल्स लूँगी। ऑब्वियसली आप दो भी लगाओगे तो अब तो आपको बारी बारी से ही बनानी है। तो क्योंकि मैं राइट साइड में पॉकेट चाहती हूँ तो इसलिए मैं उस हिसाब से राइट वाली पैनल को लूँगी फ्रंट साइड की। मेक श्योर बैक साइड में मत लगा दीजिएगा। तो इस पीस पे अभी हम पॉकेट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर से जो 2 इंच लिया है हमने फोल्ड करने के लिए इलास्टिक वाली, उसको छोड़ के 3 इंच नीचे मैं मार्क कर लूँगी। ये हमारी पॉकेट की ओपनिंग होंगी, उसको हम पहले बना लेंगे। अभी उस 3 इंच से मैं नीचे की तरफ 7 इंच पे मार्क कर लूँगी, 7 इंच पे छोटे छोटे दो कट्स लगा लूँगी मैं दोनों ही मार्किंग पे निशानी के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की जो हमारी क्रीप वाली फैब्रिक है उसको ले लूँगी मैं, और हमने जो फ्रंट वाली पीस पे मार्किंग की थी वही मार्किंग मैं हमारी जो ब्लैक क्रीप वाली फैब्रिक है उस पर ट्रांसफ़र कर लूँगी, 3 इंच वाली और 7 इंच वाली। और इसके बाद मैं ऐसे लाइन खींच लूँगी। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, और उस लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए आपकी स्टिच। मैं अभी कॉर्नर्स पे दो कट्स लगा दूंगी। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई के एकदम पास तक लगानी है कट। ये कट लगाने से ही हमारी जो हम जब इसको अभी उलटाएंगे वो अच्छे से उलझ जाएगा। और इसके बाद मैं इसको उल्टा लूंगी और ऊपर से मैं टॉप स्टिच दे दूंगी। और ये जो है 3 इंच से 7 इंच तक, ये हमारी पॉकेट की ओपनिंग होंगी जहाँ से हम हाथ डालेंगे। अभी हमने जो दूसरा पीस काटा था पॉकेट वाली, जो सेम एग्जैक्ट इसी ब्लैक क्रेप वाली फैब्रिक के बराबर है, तो उसको हम ऊपर रख लेंगे, ब्लैक वाली फैब्रिक के एकदम ऊपर अच्छे से रख लेंगे। और इसके बाद मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ यहाँ पे, और जैसे मैं आपको फिंगर से दिखा रही हूँ वैसे आपको स्ट्रेट स्टिच कर लेना है। बस दोनों तरफ आपको हाफ हाफ इंच छोड़ के स्टिच करना है। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से भी हाफ इंच छोड़ के, और जहाँ एंड करेंगे वहाँ पे भी हाफ इंच छोड़ के आपको एंड करना है। क्योंकि अभी सिलाने के बाद हम पॉकेट्स को ज्वाइन करेंगे चारों तरफ से, तो इसीलिए ये छोड़ना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्टिच कर लिया है, और इसके बाद हम अभी पॉकेट को चारों तरफ से ज्वाइन कर लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, पिन से मैं सिक्योर कर रही हूँ अच्छे से। और इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मैं स्टिच कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पे आप डबल सिलाई दे दोगे पॉकेट में तो अच्छी होगी, क्योंकि पॉकेट में सिलाई खुल जाती है, हम फोन्स वगैरह ऐसे रखते हैं। तो ये देखिए हमारी पॉकेट जो है अटैच हो गई है फ्रंट पीस पे। मैं आपको हाथ डाल के दिखा रही हूँ यहाँ पे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने पॉकेट बना लिया है। और इसके बाद हम अभी बैक वाला पैनल लेंगे, और इस फ्रंट पैनल के राइट साइड के ऊपर हम बैक वाले पैनल को रख लेंगे। दोनों का राइट साइड एक दूसरे को फेस करता हुआ होना चाहिए। ऐसा मत कीजिए कि आप दोनों ही फ्रंट साइड एक साथ मतलब स्टिच कर ले, ध्यान से एक फ्रंट पैनल होना चाहिए, एक बैक पैनल होना चाहिए। और इसके बाद हम मैं जैसे दिखा रही हूँ हम पूरा स्ट्रेट ऐसे स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे दोनों पैनल्स को। हाफ इंच का मार्जिन रख के मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। एंड डोंट वरी, अगर आप सोच रहे कि पॉकेट वाली यू नो ओपनिंग क्लोज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पॉकेट वही अपनी जगह पर रहेगी खोलने के बाद। तो ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, पॉकेट बिल्कुल सही से अपनी जगह पर है। और प्लस हमने जो ब्लैक फैब्रिक लगाई है वो दिख भी नहीं रही है, वो हमने इस तरीके से लगाया है ऊपर की तरफ कि वो ना दिखे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने वहाँ पे दूसरी फैब्रिक का यूज़ किया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं दिखती है ऊपर की तरफ। और उसके बाद जो हमारा दूसरा लेग है उसके लिए भी हम तैयार कर लेंगे। फ्रंट और बैक पीसेस को एक साथ रख के
हम स्टिच कर लेंगे, क्योंकि इस साइड मैं पॉकेट अटैच नहीं कर रही हूँ तो बिल्कुल सिंपल सा है, स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे हम। और दोनों पीसेस को आमने सामने रख के आप देखिएगा, ऐसा ना हो कि आपने एक ही लेग के दो पीसेस तैयार कर लिए हो, इसलिए आमने सामने रख के स्टिच करना ज़रूरी है। ये देखिए हमने दोनों लेग्स के लिए पीसेस रेडी कर ली है। तो अभी मैं बॉटम स्टिच करूँगी। बॉटम के लिए जैसे कि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो 1/2 इंच का मैं एक छोटा सा फोल करूँगी और इसके बाद 1.5 इंच का मैं एक बड़ा सा फोल कर लूँगी और स्टिच कर लूँगी। पिन से सिक्योर कर लेंगे तो अच्छा होगा। दोनों पीसेस को ही मैं इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए हमारी एक पीस हो गई है, दूसरे पीस को भी मैं सिमिलरली फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। और दूसरी पीस भी हमारी हो गई। अभी हम क्या करेंगे, हम पहले एक पीस लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे, दोनों आसन जो है दोनों तरफ होनी चाहिए, और इसके बाद हम दूसरा पीस भी रख लेंगे और बैक साइड के ऊपर बैक वाली पीस, फ्रंट के ऊपर फ्रंट वाली पीस होनी चाहिए। इस तरीके से आप रखिए ऊपर से ऊपर मिला के, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और दोनों आसन को मिला के रखना है। दोनों साइड के बैक वाले आसन एक साथ होना चाहिए और दोनों साइड के फ्रंट वाले आसन भी एक साइड। और जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस तरीके से सिर्फ क्रॉच एरिया तक ही आपको स्टिच करना है ऊपर से। ये देखिए मैंने एक तरफ का स्टिच कर लिया है, दूसरी तरफ का भी मैं सेम वे से क्रॉच एरिया तक स्टिच कर लूँगी। ये जो हम क्रॉच एरिया तक सिलाई लगा रहे हैं, यहाँ पे आप डबल सिलाई लगा देंगे तो अच्छा होगा, इस पार्ट की जो सिलाई है खुल जाती है आसानी से। तो इसके बाद हम पैंट को इस तरीके से रख लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और इस तरीके से रखने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों लेग्स जो है सेपरेट हो गया है। सेपरेट होने के बाद मैं यहाँ पे पैंट की बॉटम की मार्किंग कर रही हूँ, 1-1 इंच में यहाँ पे कमा रही हूँ जितना हमने लिया था। तो मैंने लिया था 14 इंच पैंट की बॉटम, तो उससे मैं 1 इंच कम कर रही हूँ। यहाँ पे आपको जितना कम करना है, 1/2 इंच का 1 इंच का सिलाई मार्जिन रखना है, आप आराम से रख सकते हो। और इसके बाद मार्किंग के साथ साथ मैं स्टिच कर लूँगी, और ये वाली पॉइंट पे भी आप डबल स्टिच कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये वाली सिलाई भी खुल जाती है। और इसके बाद टॉप में मैं 1/2 इंच का फोल्ड करके एक स्टिच लगा लूँगी। यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे, अभी फोल्ड करके पहले स्टिच लगा लेने से ईजी होगा। और अभी मैंने यहाँ पर इलास्टिक काट लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके बाद हम अभी एक फोल्ड करके इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे साथ साथ में। इलास्टिक को खींचते जाइए और स्टिच करते जाइए। ये देखिए हमने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है, पर इलास्टिक में एक प्रॉब्लम आती है कि वो पलट जाता है। बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम होता होगा कि पलट जाता है इलास्टिक, तो मैं बीच से स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जिगजैग स्टिच कर रही हूँ। अगर आपके मशीन में ये स्टिच नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जगह जगह पर स्टिच कर सकते हैं, पर अगर आप स्ट्रेट स्टिच दे देंगे बीच में से इलास्टिक के, तो आपकी इलास्टिक ढीली हो जाएगी। तो अगर आपके पास जिगजैग स्टिच नहीं है तो आप एक पॉइंट पर ऐसे स्टिच कर लीजिएगा, एक स्ट्रेट स्टिच थोड़ी दूर बाद, जैसे कि 5-6 इंच बाद, तब इलास्टिक पलटने की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके पास ये जिगजैग स्टिच है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और बीच से एक जिगजैग स्टिच कर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारी जो पैंट है वो एकदम रेडी है। ये देखिए हमने कितने आसानी से ये पैंट रेडी कर लिया, और इसको स्टिच करने के लिए ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बहुत ही कम टाइम में मैंने इसको रेडी कर लिया है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल रहा आपके लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।